दिया शियालदा पूरी दुरंतो एक्सप्रेस। मधुमिता को बुद्धि ज्यादा हो गई है, थोड़ा है बहुत दूर हम लोगों से, बहुत दूर फिर में जाके लोग जा रहे हैं और वेटिंग रूम से हम लोग वीडियो वगैरह लेके आते हैं, फिर ट्रेन छोड़ने में थोड़ा टाइम ना। क्यों क्यों और उस घटना के बाद से मेरी सासू माँ का दिल दहल गया, उसके बाद किसी को उतरने नहीं देती है। एक ही बात बोलती है, ना तो कोई ट्रेन से उतरेगा ना ही ट्रेन में कोई चढ़ेगा। जय जगन्नाथ। दोस्तों दुरंतो में ये जो दुरंतो जो कोलकाता से सियालदा से पूरी हम लोग जा रहे हैं उसमें डिनर टाइम हो गया है। एक दो छोटे कैरेक्टर की जरूरत है, उसके बाद ये पूरी फैमिली जो है कार्टून फैमिली हो जाएगी हम लोगों की। सबकी इच्छा है कि सबको नामना है, मतलब कि नीचे उतरना है। धोनी भैया देखिए इसी तरह से बेंच में बैठे थे धोनी भैया, और एक दिन ख्याल आया तो मधुमिता सियालदा पहुंच गए। सो मच कंफ्यूजन, माँ को मैंने भेज दिया बोगी से, माँ और मौसी को, और हम लोग अभी ये सामान लेके जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9। दोस्तों जो हम लोग एक साथ चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। माँ बेटियाँ जब एक साथ चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही। सॉल्यूशन कम होती, तुम चुप रहो, क्या बोलते। एक्चुअली मैं दिलीप को भेजा था माँ के साथ जाते, जाके माँ बेटी का कंफ्यूजन ना हो, दामाद और सासुरी का सब सॉल्यूशन हो। लेकिन वो चीज़ मतलब हुआ है, मतलब माँ को इस जगह पे टैक्सी छोड़ा है बहुत दूर हम लोगों से, बहुत दूर। फिर मैं जाके एक बोगी को बुक किया और माँ और मौसी को मैंने भेज दिया, और हम लोग सारे अभी लगेज लेके आ रही हूँ। मेशो सामने दिखा दो, मेशो सामने जा रही है, सुष्मिता पीछे है उस तरफ, सुष्मिता बहुत पीछे धीरे धीरे आ चल रही है। क्या होता है हम लोग रोहू रुई माछ का हम लोग हेड खाए हैं तो मधुमिता को बुद्धि ज़्यादा हो गई है, राइट? नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया ना दिलीप। हाँ, मैं सब कुछ करके कर दिया तो अभी दिलीप बोल रहा है। हाँ, सब कुछ करके कर दिया, वाह। सब कुछ करके माँ को पहुँचा भी दिया, वो भी माँ को चलना नहीं पड़ा तो टेंशन था। हाँ, पैसा थोड़ा सा ट्रैवलिंग जब करने जाएंगे ना पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो हम लोग आए हैं 9 प्लेटफॉर्म नंबर 9 जहाँ पे पूरी दुरंतो एक्सप्रेस उधर देगा, पूरी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस। मधुमिता व्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसा हुई कि माँ सुष्मिता सबको छोड़ कर आगे बढ़ गई। देखिए इसकी खुशी, एक फिश का हेड खाया ये हालत है, दो खाने के बाद क्या होगा। हम लोग अभी सियालदा स्टेशन में हैं और ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे देगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग 9 नंबर में अभी खड़े हैं क्योंकि यार इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लोकल का जो पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है। और अभी मुझे ये टेंशन है कि अगर प्लेटफॉर्म चेंज कर दे लग रहा है कि ये जो भीड़ है वो अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट के कन्फर्मेशन के लिए वेट कर रही है, इसलिए इतनी भीड़ है। और लोकल ट्रेन इतनी भयानक भीड़ कि बाहर के जो पैसेंजर्स हैं उनको परेशानी होने लगी। हमें खुद कन्फ्यूज़न हो रहा है कि प्लेटफॉर्म कहाँ ढूंढे। 9 नंबर प्लेटफॉर्म जिधर हमें पता चला कि दुरंतो लगती है वो तो काफ़ी क्या बोलते हैं, शॉडी है, अंधेरा है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि कौन सी बोगी कहाँ पर आके खड़ी होगी। लेकिन ये जो वेटिंग रूम देखा है बिल्कुल 5-स्टार होटल की तरह लग रहा है। हम लोग जाकर देखते हैं वहाँ पर है क्या चीज़। ये सेकेंड क्लास का वेटिंग रूम है यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर मसाज की जगह है। ये है इसका लिफ्ट। अच्छा, इससे फ़ोटो ले लिया है ट्रेन का जहाँ हम लोग नहीं थे और हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि बोला कि अभी प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं है रुकिए, तो इसलिए हम लोग ये सियालदा पूरी दुरंतो एक्सप्रेस हम लोग जस्ट चढ़े हैं। ट्रेन चकाचक है, दिलीप किसी को हेल्प करने गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं। अरे आप कहाँ थी?
मैं नीचे बैठी थी। अच्छा नीचे बैठी थी आप। तो फाइनली हम लोग दुरंतो के A1 में बैठ चुके हैं और ये है ये पूरा क्या बोलते हैं इसे, एक पूरा सेकेंड एसी कूप बोले, क्या बोले, कूप तो नहीं बोल सकते इसे। हाँ सेकेंड एसी का ये पूरा 6 सीट्स है। एक ही अगर कोई और होते तो हम लोग हो जाते पूरे 6 लोग, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और ब्लैंकेट वगैरह लग रहा है कि बिल्कुल नया नया दिया हुआ है, ये पिलो कवर्स लिनेंस वगैरह, ब्लैंकेट भी बहुत शानदार है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा है। ब्लू का पीछा नहीं छूट रहा है, ब्लू फिर भी लगा हुआ है हम लोग के साथ में। और इधर है ये पिलो, बहुत सॉफ्ट पिलो है, अच्छा लग रहा है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है। बाकी जो स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 में घुस कर हम लोग का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जो स्थिति जो देखे हम लोग। बहुत मुश्किल था, मुझे फाइनली उनको गोद में उठा के दौड़ना पड़ता। आधा शूट छोड़ के जो हम लोग एसी वेटिंग रूम का शूटिंग कर रहे थे उसी को छोड़ के हम लोग बाकी आए कि माँ फोन से ट्रेन दे दिया है, जल्दी आओ। अभी देखते हैं हम लोग वहाँ पर जाने की बात करते हैं। हम लोग क्या है वेटिंग रूम का जो हम लोग वीडियो ले रहे थे उसको छोड़कर भागकर आ गए कि कितना सुंदर वेटिंग रूम बनाकर रखा हुआ है। तो लग गया हाँ, तो मधुमिता मधुमिता ऐसा कीजिए, मधुमिता माँ हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं और वेटिंग रूम से हम लोग वीडियो वगैरह लेके आते हैं, फिर ट्रेन छोड़ने में थोड़ा टाइम है। क्यों क्यों माँ को डर है कि ट्रेन उनको अकेले लेके चला जाएगा, हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, इसलिए हम लोग को नहीं जाने देंगे। कार पार्लर बस इधर बोल दी है चुप करके चुपचाप बैठो। माँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई कि क्यों हम लोग को नीचे जाने नहीं देना चाहती है ट्रेन से। वो बोल रही है कि एक बार शादी के ठीक बाद वो कहीं घूमने गई हुई थी गोपालपुर वगैरह, और वहाँ पर मधुमिता के पीछे मोशाय वगैरह सारे लोग थे। उस वक्त मधुमिता का जन्म नहीं हुआ था, अनलकी। तो क्या हुआ कि हमारे ससुर मोशाय जो थे वो सिगरेट पीने के लिए नीचे गए और उसके बाद ट्रेन छूट गई, और ट्रेन छूटी तो फिर वो छूट गए और मेरी सासू माँ जो थी वो अकेली वहाँ बैठी हुई थी, और वहाँ पर मधुमिता के पीसी मोसाय थे, मतलब फूफा जी थे, और बाकी लोग फूआ वगैरह सारे लोग थे। तो वहाँ पर हमारे ससुर मोसाय सिगरेट और खुद दौड़ते 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 दूसरे बोगी में चढ़े और जाकर खड़गपुर में जाकर मिले। और उस घटना के बाद से मेरी सासू माँ का दिल दहल गया, उसके बाद किसी को उतरने नहीं देती है, एक ही बात बोलती है ना तो कोई ट्रेन से उतरेगा और ना ही ट्रेन में कोई चढ़ेगा। हंसते हंसते हंसी तो देखिए हंसी तो देखिए आवर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम सियालदा टू पुरी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलो बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दोस्तों दुरंतो में ये जो दुरंतो जो कोलकाता से सियालदा से पूरी हम लोग जा रहे हैं उसमें डिनर टाइम हो गया है, और डिनर टाइम में हमें क्या क्या मिला है वो हम लोग देखते हैं कि दुरंतो ने हम लोगों को आज के डिनर में खाने के लिए क्या क्या दिया है। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई कि हमारी जो बुकिंग हुई थी वो नॉनवेज फूड की हो गई है, और उसमें से हम लोग को कुछ वेज चाहिए। हम लोग तो सारे लोग वेज ही खाना चाह रहे थे, लेकिन अभी देखते हैं किनको वेज मिला है और किनको नॉनवेज मिला है। ट्रेन में हमें अभी खाना मिला है, करीब अभी 9:20 हुआ है, ठीक है। माँ वेज लिया है और हम लोग नॉन वेज है, तो माँ अपना वेज खोल रहा है, इसमें है दाल राइस पनीर की सब्जी और एक रोटी। माँ को बहुत झाल लग रही है, तीखापन लग रही है माँ को, क्योंकि माँ नहीं खाती है ना बाहर का, तो थोड़ा सा सूखा सूखा करके खा ले रही है। डालता है नॉनवेज
भी आती है जो राइस हम लोगों ने ले को मेडिसिन खिला रही हूँ और एक चीज देख के सारे लोग बहुत ही चौंकित हो गए। ये है इतना बड़ा हथियार लेके क्या चल रही है? क्या है ये? ये है जाति। एक्चुअली इसे सुपारी जो होता है ना उसी को काटते हैं। सरोता हिंदी में क्या बोलते हैं? सरोता। ये लोग हिंदी में सरोता बोलते हैं और इससे माँ मेडिसिन को आधा करते हैं, काट के जो जो मेडिसिन आधा खाना है। जो टैबलेट जैसे टैबलेट जो है, कोई एक टैबलेट है जैसे ये टैबलेट है इसका आधा खाना है तो उसके लिए ये हथियार है। इस हथियार से काटा जाता है उसको आधा और माता जी उसको कट 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 काटती हैं, उसके बाद खा लेती हैं ऐसे। एक ही बोलो ये बाशी प्रोडक्शन दीदी अच्छी बाशी के एक दो छोटे कैरेक्टर की जरूरत है, उसके बाद ये पूरी फैमिली जो है कार्टून फैमिली हो जाएगी हम लोगों की। तो दोस्तों दुरंतो हमारी जो सियालदह से पूरी जा रही है वो पहुंच गई है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। और खड़गपुर बता दूं कि खड़गपुर, भुवनेश्वर और पूरी, मतलब बीच में दो ही स्टॉपेज है इस ट्रेन की, डायरेक्ट उसके बाद नहीं तो पूरी आ जाएगी। और हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग कहीं भाग ना जाएं, इसलिए मौसी आगे चेक करने के लिए कि भाई हम लोग कहीं गायब ना हो जाए, भाग ना जाए, इसलिए चलो देख लो इन लोगों को पूरी खड़गपुर कैसा होता है। खड़गपुर माँ भी आ गई। हाँ, सबकी इच्छा है कि सबको नामना है, मतलब कि नीचे उतरना है। हाँ, सब खड़गपुर। धोनी भैया यहीं पर सर्विस कर रहे थे और यहीं से उन्होंने रिजाइन किया गवर्नमेंट जॉब को, रेलवे की जॉब को, और क्रिकेट खेलने चले गए, पैशन को फॉलो किया। इसी तरह के किसी बीच में बैठे थे, बेंच में बैठे थे, आइए मधुमिता बेंच में बैठते हैं, मधुमिता बेंच में बैठते हैं, आइए देखिए। इसी तरह से बेंच में बैठे थे धोनी भैया और एक दिन ख्याल आया और उसके बाद उठकर चले गए, रिजाइन कर दिया। मधुमिता ने भी अपने गवर्नमेंट जॉब को इसी तरह से रिजाइन कर दिया, बेंच में बैठे बैठे ऐसे बेंच में बैठे बैठे। हाँ, ये खड़गपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। ठीक 10 बजे। तो दोस्तों रात के 10:30 बजने वाले हैं, 11 भी बज जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और जो कोलकाता से चली हुई ये फैमिली जो है जो पूरी जा रही है वो सारे लोग थक हार कर फाइनली अपने बिस्तर पर सो चुके हैं। इधर मधुमिता भी सोने की तैयारी कर रही है, मधुमिता का बिस्तर मैंने बना दिया है। फिर इधर माँ भी सो चुकी है, बिल्कुल सो चुकी है, गहरी नींद में है, कुछ पता नहीं है अब। और इधर मौसी भी सो चुकी है, मौसी के लिए मैं पर्दे लगा देता हूँ ऐसे। हाँ, सुष्मिता भी सो चुकी है, बिल्कुल सो चुकी है, गहरी नींद में सो चुकी है, अभी उसने मुझे बताया था। और मधुमिता सोने के इंतजार में है, जैसे जैसे मैं कैमरा को ऐसे करता हूँ सोने देगा तब ना सोएंगे। हाँ, वो अपना कैमरा ऑफ करेगा, लाइट ऑफ करेगा तो सारे लोग सोएंगे। जैसे मैं कैमरा इधर करता हूँ उनकी आंखें खुल जाती है इधर से, जैसे इधर कैमरा करता हूँ उसकी आंखें खुल जाती है, ऐसा होता है यहाँ पे। अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। बहुत थैंक्स हमारा चैनल को सब्सक्रिप्शन करने के लिए, देखने के लिए, आशा करते हैं आप बहुत ज़्यादा शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। कल हम सुबह पुरी में मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।